भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, कई सारी क्वेरी आ रही है कि डीएमआरसी एग्जामिनेशन 2018 का रिजल्ट कब आएगा, तो इसमें एक्सपेक्टेड डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। थोड़ी सी आपको बताएंगे कि किस आधार पे एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब कब एग्जाम हुए थे। तो मेंटेनर और के लिए जो पोस्ट था, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 9, 10, 11, 12, 13 और 17 को एग्जाम हुए थे अप्रैल में। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 18 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, आरएससी के लिए 19 को हुआ था, और फिटर के लिए 19 और 20 अप्रैल का एग्जाम हुआ था। और सेम जेई के लिए आपका 9 और 10 इलेक्ट्रिकल के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 11 अप्रैल था, मैकेनिकल के लिए 17 अप्रैल था और सिविल के लिए 12-13 अप्रैल था। इसी तरह मैनेजर इन्वायरमेंट और एसएनटी वगैरह के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर पोस्ट थी उनकी एग्जामिनेशन 9 से लेकर 20 अप्रैल 2018 तक कंडक्ट किया गया था। तो चलिए, मेरा पार्ट यहां था कि डीएमआरसी के रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब तक आएगा। इसके लिए सबसे पहले बता दूं कि आपका डीएमआरसी के ऑफिशियल साइट पे करेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जिसमें करेक्शन था कि गलती है, उसके लिए ऑप्शन आपको दे दिया गया है। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि कौन सी गलत थी, तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। चलिए उसको दिखाते हैं। प्रश्न में ऑब्जेक्शन अगर है तो आप यहाँ पे दिल्ली मेट्रो सर्च करेंगे, दिल्ली मेट्रो रेल लिख के गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इस टाइप से पेज खुलेगा, जिसमें आपको जाना है करियर पे। तो करियर में जैसे ही जाएंगे एक पेज खुलेगा डीएमआरसी का, और इसे पॉपअप को ब्लॉक करेंगे। उसके बाद हम जो नोटिफिकेशन हमारा था उसमें जाना है। तो देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन था एचआर पब्लिक 2018। यहाँ अगर इसमें जाएंगे तो मैं इसको अब जूम कर देता हूँ। जूम में देखेंगे कि यहाँ देखिए ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन ऑफ क्वेश्चन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में लगता है, तो यहाँ पे आप क्लिक सकते हैं। और टोटल पोस्ट के लिए है जो 9/4/2018 से 20/4/18 तक था, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होगा। तो यहाँ मैं यहीं रहने देता हूँ, उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जरूर डालिएगा कि इस कारण से क्वेश्चन गलत है, जरूर कीजिएगा। उससे रिलेवेंट हिस्ट्री की बुक हो या कोई टेक्निकल बुक हो, बुक का नाम, पेज नंबर, वो जरूर डालिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन की वैलिडेशन बढ़ जाएगी और उसके पर डीएमआरसी विचार करेगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद डीएमआरसी का यहाँ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट आंसर की हम बात करने वाले हैं, जो अनुमानता पूरी तरह से अनुमानता है। तो डीएमआरसी के रिजल्ट का प्रोसेस पिछले 3-4 सालों में देखेंगे तो वहां देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्शन ऑफ क्वेश्चन का आता है, उसके बाद आंसर की के लिए आता है, आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फाइनल जो आता है वो रिजल्ट आपका अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी आंसर की में ऑब्जेक्शन, सीबीटी एग्जाम का ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो पहला स्टेज यहाँ शुरू हो गया है। सेकंड स्टेज मेरा पर्सनल अनुमान है कि मई के लास्ट वीक में आपको आ जाएगा आंसर की, और उसके 2 से 10 दिन के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है साथ साथ भी कई बार आंसर की और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं 2 से 10 दिन का गैप रखता हूँ। तो जून के फर्स्ट वीक से लेकर जून 15 तक अनुमानता ये रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आप जो अपने इंतजार और तैयारी कर रखे हैं तो उसके अनुसार से आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से जो प्रिपेयर करके गए थे उसका फल अभी मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।